मिलती तो काफ़ी सही है, और डाउट के लिए टीचर्स रहते हैं वहाँ स्टाफ रूम में, तो पूछ सकते हैं डाउट जाके। और यहाँ का मॉड्यूल भी वो भी काफ़ी सही रहता है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू करियर फिनोलॉजी। और अभी आज हम आ चुके हैं VMC जो कि है विद्या मंदिर क्लासेस, बोरिंग कनाल रोड में। और अभी टाइम हो गई है 1:30, सो स्टूडेंट्स की क्लास ओवर होने की टाइम हो चुकी है। तो कुछ स्टूडेंट्स आएंगे तो हम उनसे जानेंगे VMC के बारे में कि कैसा है यहाँ पे। हेलो, आपका नाम क्या है? प्रसन्न। हाँ, प्रसन्न। प्रसन्न प्रसन्न भाई, मेरा नाम निर्भय है और मेरा यूट्यूब चैनल है करियर फिनोलॉजी। तो आप इस यहाँ पे किस चीज़ के लिए स्टडी करते हैं? IIT के लिए। IIT मेरे कुछ क्वेश्चन है प्रसन्न भाई, जैसे कि मतलब कि कुछ क्वेरीज आते रहती है, लाइक स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि भैया मतलब कि BMC के बारे में बताइए कि BMC में कैसे फैकल्टी हैं, कैसा मतलब कि यहाँ पे कैसा है यहाँ का माहौल, तो फिर क्या क्या आप कहना चाहेंगे आप लोग? वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है ही पटना का, IIT के लिए तो बहुत अच्छा। और JEE मेंस के लिए? हाँ। तो आप लोग मतलब किस बैच से हो, फाउंडेशन या फिर? हम लोग 11th में। 11th में, तो आप लोग का फाउंडेशन भी अच्छी होगा। फाउंडेशन तो मतलब कि फैकल्टीज यहाँ बहुत बढ़िया है, फैकल्टी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होता है। ओके, ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं बटन जाता है, फोकस तो किया जाता है, ये कॉपी लाया कि नहीं, कंप्लीट किया है कि नहीं, नहीं तो और स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है हर एक चीज़ का। ओके, ये होता होगा ना, टेस्ट होता होगा। तो टेस्ट कैसे होता है, मतलब कि चैप्टर वाइज होता है या फिर कभी कभी? एक साथ, 3 चैप्टर एट टाइम और 4 चैप्टर एट टाइम, मतलब जितना हो चुका है उतना। ओके, तो मतलब 4-5 एक साथ होता है। ओके, और मतलब कि यहाँ का स्कॉलरशिप, आपका एडमिशन कैसे हुआ था यहाँ पे? स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, स्कॉलरशिप 100% तक होता है स्कॉलरशिप, आप पास आता है। 100% स्कॉलरशिप में क्या फ़ायदा होता है? यही कि ट्यूशन फीस माफ हो जाती है, फीस जो रहता है वो नहीं लगेगा, बाकी जो भी रहता है मॉड्यूल का चार्जेस, जो भी मेंटेनेंस का, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी रहता है। तो मतलब कि और कुछ बताना चाहेंगे आप लोग अपने VMC के बारे में? जैसे मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आ नहीं पाते हैं, उनको मतलब कि एडमिशन लेना होता है, तो उनके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे VMC के बारे में? सबसे तो स्कॉलरशिप टेस्ट दें, स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी करें। जैसे कि हम लोग 11th एडमिशन लेना, तो 10th का कुछ था, तो 10th की सही से तैयारी करें, 100% स्कॉलरशिप आ जाएगा, तो कुछ होता है कर सकते हैं उसमें। तो प्रशांत भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जो भी तो आप इसको मतलब कि VMC को ओवरऑल कितना रेटिंग देना चाहते हैं? कुछ बेनिफिट भी, मतलब कुछ एडवांटेज भी होंगे और कुछ डिसएडवांटेज भी सारे इंस्टीट्यूट को होते होंगे, तो आप इसका एडवांटेज में क्या क्या चीज़ देखते हैं? फैकल्टीज यहाँ पे बहुत फैकल्टीज मतलब कि कोऑपरेटिव है बहुत। और जैसे डाउट आपकी कोई अगर डाउट, सभी बच्चे पे फोकस करते हैं, जैसे कि फिट जी बढ़ चुके हैं, तो उसमें सिर्फ ध्यान दिया था जो आगे बैठे बैठते हैं, जो मतलब पढ़ते हैं जो सर, और जो सर नहीं पढ़ते हैं तो फिर सर नहीं पढ़ते हैं तो छोड़ दिया जाता है, पर यहाँ पे कि सब बच्चे को लेके चला जाता है, जो नहीं पढ़ते उनको भी फोकस किया जाता है। वन ऑन वन अटेंशन। ओके, तो मतलब कि VMC के बारे में आप लोग GoPro से भी बहुत हाईली रिकमेंड करते हैं, तो जाके यहाँ पे बच्चे ये ले सकते हैं, ले सके VMC में। ओके, थैंक यू प्रशांत भाई, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे मेरा यूट्यूब चैनल है करियर फिनोलॉजी। क्या नाम है? करियर फिनोलॉजी। करियर फिनोलॉजी, जिसे मैं मतलब के स्टूडेंट से रिव्यू लेकर अपलोड करता हूँ वीडियो। ठीक है, ठीक है सर। तो आप लोग VMC को रिकमेंड करेंगे? चलिए सही है। और कोई भाई जो कुछ बता दो? हर्ष अवाल, अपना नाम बताइए भाई। हर्ष राज। तो हर्ष भाई, मेरा नाम निर्भय है और मेरा यूट्यूब चैनल है करियर फिनोलॉजी। ठीक है, तो आप VMC को कितना मतलब रिकमेंड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स? सही से बोलना, मैं VMC को ही करा, क्योंकि यहाँ पे कम से कम कॉपी चेक किया जाता है, क्लास का स्टैन भी नॉर्मली आता है 50-60 के आसपास। ओके, तो एक एक बच्चों के ऊपर फोकस हो जाता है कम से कम,
नहीं तो बहुत कोचिंग में होता है कि ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, बस बच्चा लोग आया और जो पढ़ाया गया पढ़े, नहीं पढ़े नहीं पढ़ा नहीं पढ़े और चल वापस चला गया। और मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे, कम से कम अगर डाउट कुछ डाउट होती होंगी तो हाँ डाउट के लिए हमेशा सेंटर खुला रहता, जब आ जाएगी चलो अवेलेबल रहता सब कुछ बता। अगर आप किसी कारणवश आप अपना मतलब कि क्लास मिस कर देते हो, ठीक है, तो उसको मतलब कैसे रिकवर किया जाता है? ऑनलाइन भी लेक्चर पहले का तो नहीं पता, पर अभी ऑनलाइन भी लेक्चर चल रहा है तो पहले से अपलोडेड रहता है। ओके से देख लेते मतलब कि हो जाता है। हाँ कवर अप हो जाता है। और कुछ डिसएडवांटेज बताइए बीएमसी का जो आपको पसंद ना हो। अभी तक तो मुझे नहीं मिला क्योंकि आपका बैच कौन सा है, फाउंडेशन या टारगेट? फाउंडेशन। फाउंडेशन है आप अभी 11th में हो? हाँ। ओके तो हर्ष भाई अच्छा लगा बात करके। आपका नाम क्या है? प्रियांशु। प्रियांशु, प्रियांशु भाई मेरा नाम निर्भय है और मेरा चैनल है अरे जी। कैसा है यहाँ का माहौल? पढ़ने के लिए सही है। पढ़ने के लिए भी सही है और अगर मैं आना उसके लिए सही है। ओके आपका एडमिशन कैसे हुआ था यहाँ पे? स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट। अब कितना परसेंटेज मतलब कितना मार्क्स आप ये किए थे? परसेंटेज आया था 70%। तो उतना रिड्यूस हो गया था। इसका टोटल फी कितना है वैसे? मतलब 3,20,000 के आसपास। 3,20,000 के आसपास। तो आपका 70% मार्क्स आया होगा तो फिर तो आपको अच्छी खासी डिस्काउंट मिल गई होंगी। वैसे मतलब एवरेज बच्चा सबको भी मतलब 60% किया वो बात है। ओके आपको डाउट होती होंगे तो डाउट को कैसे क्लियर किया जाता है? आप सर से पर्सनल जाके मिल सकते हैं नहीं तो फिर क्लास में सब सर DTS ये सब जो असाइनमेंट सब देते हैं उसके लिए भी होने की होता है। अच्छा और कोई टीचर उनके पढ़ाई के तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको उनके लिए मतलब कि आप उनको चेंज कर सकते हैं? नहीं उसके मतलब कि उसके लिए मतलब कि सर से अलग सेशन मतलब कि जैसे आते हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का भी रिविजन क्लास चल रहा है तो शाम वाला बैच और सुबह वाले बैच में अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं मैथ्स के, उसके लिए आप आ सकते हैं यदि आपको डाउट्स है तो पहले आना। ओके और किसी कारणवश आपकी क्लास मिस हो गई, ठीक है, तो फिर आप उसको कैसे रिकवर करते हैं यहाँ पे करते हैं लोग? हाँ ऑनलाइन लेक्चर्स भी आता है, ऑनलाइन लेक्चर से भी ले लेते हैं, PDF से भी ले लेते हैं, सर से डाउट से आप कर लेते हैं। ओके तो आप इसमें कितना रिकमेंड करते हैं मतलब कि बच्चों को स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने के लिए? पटना में यदि लेना है तो VMC बेस्ट है। VMC बेस्ट है। VMC के कहाँ कहाँ पे ब्रांच है वैसे? फ्रेजर रोड में, बोरिंग रोड में और फिर और कहाँ पे? कंकड़बाग। और यहाँ पे स्पेशली मतलब कि JEE के लिए ये सही है या फिर नीट के लिए? नीट का पता नहीं, JEE के लिए बेस्ट, JEE के लिए नीट वाला हम नहीं। ओके थैंक प्रियंस भाई। आप लोग VMC से हैं? ओके सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। इशिका। इशिका आपका? हाँ शाम्भवी। शिवांगिनी। सो मेरा ये क्वेरी है कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि विलेज में रहते हैं उनका कुछ क्वेरी आती है कि भैया VMC के बारे में आप बताओ उनको, मतलब कि उनके स्टूडेंट से बात करके कि VMC कैसा है। अच्छा। वहाँ पे स्टडी करने के लिए मतलब कि क्या है वहाँ पे, कैसे फैकल्टी है, कैसे मतलब कि डाउट वगैरह? तो फैकल्टी तो काफ़ी सही है और डाउट के लिए टीचर्स रहते हैं वहाँ स्टाफ रूम में तो पूछ सकते हैं डाउट जाके। और यहाँ का मॉड्यूल भी वो भी काफ़ी सही रहता है बट टोटल हो नहीं पाता है हम लोग से, काफ़ी ज़्यादा रहता है। ओके उसमें तो आप लोग की कौन सी बैच है, फाउंडेशन या फिर? फाउंडेशन ही जी ऑफकोर्स। JEE का आप लोग फाउंडेशन बैच में हो? लाइक अभी 11th में हो आप लोग? 12th में हो। ओके तो ओवरऑल आपकी मतलब कि स्टडी तो सॉरी सिलेबस तो लगभग खत्म होने वाला है। तो जैसे कि होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सिलेबस स्लो मतलब कि वो लोग कोर्सेज स्लो ये करते हैं कवर करते हैं बट एंड ऑफ द टाइम जब एग्जाम होने वाली होती है सो वो लोग मतलब कि थोड़ा स्पीड कर लेते हैं। नहीं हम लोग सेम ही पेज पे पढ़ा रहे हैं अभी भी। अभी भी सेम ही है बट एक्स्ट्रा क्लासेस लगा देते हैं बट सही है, बहुत सारे कोचिंग में होता है कि कर देते हैं स्पीड, यहाँ पे सही पढ़ा रहे हैं। ओके और कोई कोई टीचर जैसे होते हैं जिनसे आपको मतलब कि उनसे अच्छे मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होता है लाइक उनका कुछ मॉड्यूल नहीं समझ में आता हो तो आप लोग को किसी और टीचर के लिए ये किया जाता है, प्रेफर किया जाता है? कोई भी टीचर से कर सकते हैं। हाँ हाँ वो भी, अगर पसंद नहीं है तो चेंज करवा सकते हैं। ओके तो यही सब करना था। और मतलब कि यहाँ पे स्कॉलरशिप का क्या ये है? हाँ स्कॉलरशिप के नाम पे हम लोग को पागल ही बनाते हैं बस, बहुत ज़्यादा महंगा। ऐसे तो इसका फी बहुत ज़्यादा 3,60,000 था स्कॉलरशिप पे, बहुत हमको तो 100% स्कॉलरशिप लगा फिर भी 1.5 लाख पड़ गया था अप्रॉक्स। ओके सबका वही लगा होगा। आप लोग रहते कहाँ पे, ऐसे हॉस्टल में? नहीं
अच्छा हॉस्टल में, मतलब कि इनका मतलब विद्या मंदिर वाले का स्पेशल हॉस्टल है? नहीं, आपको अपना हॉस्टल बुक करना होगा, ये करना होगा। ओके बस थैंक्स, बस टाइम जानना था। ओके थैंक यू, आई लव यू। अगर आपको कोई डाउट्स हो या फिर कुछ भी, सो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप लोग इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें और एंड मैसेज भी करें, सो मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, बहुत ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि मेरे वीडियोस पे व्यूज़ तो आ रही हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक 99% व्यूवर्स आ रहे हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं, बट वन पॉइंट समथिंग परसेंट ही है जो सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो व्यूवर्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिसमें आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो और हमारे चैनल को भी ग्रो होने में ज़्यादा टाइम ना लगे।